हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कास्ट स्टाइलिंग। आज आप कास्ट स्टाइलिंग की एक और नई वीडियो देखने वाले हो। तो आज की वीडियो में जो मैं कार प्रेजेंट करने वाली हूँ वो है हमारी हुंडई की वर्ना। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो वर्ना का इंटीरियर आता है वो आता है ब्लैक और लाइट ग्रे कलर का, बट कुछ कस्टमर्स को उसका जो ग्रे स्टोन है वो बिल्कुल नहीं पसंद है। पूरा इंटीरियर मेकओवर किया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसे स्पेशल चीज़ें भी की हैं जो कि आपको देखने में मज़ा आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बिल्कुल करना मत भूलेगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। अब आप पूछेंगे कि मैं लाइट्स क्यों ऑफ कर रही हूँ, तो पहले लाइट्स ऑफ करती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि आखिर मैं लाइट्स किस लिए ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो लाइटिंग में दिखने ही नहीं वाली है। जैसा कि मैंने सारी ऑलमोस्ट लाइटिंग क्लोज कर दी है तो वो आप देखें, बट मैं कस्टमर लाउंज की जो लाइटिंग है वो ऑफ नहीं कर सकते। तो गाइस, वो स्पेशल चीज़ है इसकी रूफ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये इसके अंदर हम लोगों ने मल्टी कलर स्टार लाइटनिंग इंस्टॉल की हुई है। अब बात करते हैं कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो। बहुत सिंपल है, कुछ इस तरीके की ऐप आपको मिलती है। अगर आपको यूज़ नहीं करनी है तो आप इस कंट्रोलर के थ्रू ऑफ़ कर सकते हो, तो आप देखेंगे ऑफ हो जाएगी लाइट। अगर आपको ऑन करनी है तो आप ऑन कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपका जैसा मूड है वैसा कलर आप चूज़ कर सकते हो, चाहे आपको ब्लू पसंद है, वाइट पसंद है, या फिर पिंक पसंद है, रेड पसंद है, जैसा कलर आपको पसंद है वैसा आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। तो ब्राइटनेस का ऑप्शंस भी मिलता है कि आप अगर रात को ड्राइव कर रहे हो लेट नाइट, अगर आपको ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही है लाइटिंग, तो आप इसकी विजिबिलिटी भी कम कर सकते हो। तो देखो विजिबिलिटी कैसे धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ये ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। प्लस फंक्शंस में जाके आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि अगर आपको 7 कलर्स चाहिए तो 7 कलर्स चेंज होते रहेंगे। मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, तो आप देखिए बहुत जल्दी जल्दी जो 7 कलर्स है वो चेंज हो रहे हैं, उनकी ब्राइटनेस भी 100% कर दी है, तो वो आप देख सकते हैं। सो गाइस, उसके लिए हम लोगों ने रूफ को भी स्टार लाइटनिंग करने से पहले कम्प्लीट तरीके से अपना ब्लैक किया हुआ है। जो इसका सनरूफ वाला एरिया है ये भी हम लोगों ने अपना ब्लैक वेलवेट के अंदर किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं पूरी रूफ को ब्लैक वेलवेट के अंदर किया गया है। बेस्ट लग रही है, साथ में जितने भी इसके सनशेड्स हैं या लाइटिंग वाला सेक्शन है या कंट्रोल्स वाला सेक्शन है या अपना हैंडल वाला सेक्शन है, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट तरीके से अपना ब्लैक किया हुआ है, तो वो आप देखिए। जितने भी इसके पिलर्स थे इसको हम लोगों ने डार्क वाइन किया है, कॉज हमारा जो थीम है वो ब्लैक प्लस डार्क वाइन कलर का है। लोअर डैशबोर्ड पे जैसे डार्क ग्रे स्टोन आता है उसको चेंज करके हम लोगों ने यहाँ पे भी अपना रेड वाइन कलर का टच दे दिया है। ना अभी वर्क हम लोगों ने इस कार के अंदर लेदर वर्क किया है वो हम लोगों ने कम्प्लीटली प्योर जेन्युइन इटालियन लेदर किया हुआ है, तो अब मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। आप इसको ऑलरेडी गियर बूट देख चुके हो, उसको हम लोगों ने किया है कम्प्लीटली डार्क वाइन विद दिस सिल्वर टच के साथ थ्रेड वर्क दिया हुआ है। एक और चीज़ स्पेशल है इसके, हम लोगों ने थाई सपोर्ट इंस्टॉल किया हुआ है। वाइल्ड ड्राइविंग सेडान कार्स में थाई सपोर्ट का काफ़ी सारे कस्टमर को इश्यू रहता है कि मैम थाई सपोर्ट ना होने की वजह से ड्राइविंग के वक्त बहुत पेनफुल रहती हैं लेग्स, तो अब थाई सपोर्ट होने से जो आपको सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, वो आप देख सकते हैं। डिज़ाइनिंग इस बार बहुत डिफरेंट डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको डायमंड कट के साथ साथ रूलिंग डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेगा। हैवी कुशनिंग हम लोगों ने एड ऑन की है, कंप्लीट लेदर में सीट्स रेडी की है विदाउट एनी रिंकल्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग कस्टमाइज सीट्स लेदर अपहोल्स्ट्री में डील करते हैं। आर्मरेस दिखाना चाहती हूँ, आर्मरेस को भी हम लोगों ने सिंगल टोन के अंदर रेडी किया हुआ है, फिनिशिंग बिल्कुल अप टू द मार्क आ रही है। आर्मरेस पे भी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से जो सीट का पैटर्न है वो आर्मरेस पे भी यूज़ किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर कोई भी लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं थी डोर्स में, यहाँ पे हम लोगों ने लेदर अपहोल्स्ट्री इंस्टॉल की है विद एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ, वो आप देख सकते हो। अपर वाले पार्ट पे जो हमारे सीट्स की डिजाइनिंग थी वही पैटर्न हम लोगों ने इसके अंदर किया हुआ है, तो वो लुक आप देख सकते हैं। रेस्ट पार्ट को हम लोगों ने लेदर सॉफ्ट कोटिंग किया हुआ है, तो वो आप चेक कीजिए। साथ ही में जितने भी इसके पावर विंडोज पे थे वहां पे हम लोगों ने कार्बन फिनिश का लुक दिया हुआ है बट हाई ग्लॉस के साथ। तो अब रियर में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो इसकी रियर ट्रे है उसको भी हम लोगों ने ब्लैक वेलवेट के अंदर अपना चेंज किया है। साथ ही में उसके पार्ट्स को भी हम लोगों ने ब्लैक कलर से लेदर सॉफ्ट कोटिंग किया हुआ है। रियर बैक एंड रियर सीट का आप लुक देख सकते हो।
कोई रिंकल आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। फ्रंट सीट का बैक भी चेकआउट कर सकते हो, बीच नीचे की तरफ ओरिजिनल कारपेट एंड बीडिंग इंस्टॉल किया हुआ है। इसी से हमारी सीट्स की जो फिटिंग आती है वो बिल्कुल स्टॉक सीट जैसी आती है, या OEM भी आप बोल सकते हो। एक और इस कार के अंदर बहुत स्पेशल चीज़ की है हम लोगों ने, वो रहेगी इसकी 90 फ्लोरिंग, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब स्पेशल क्यों है वो आप देखिए कि इसको हम लोगों ने कंप्लीट तरीके से फ्लोरिंग को ब्लैक प्लस सिल्वर कलर के अंदर लिया हुआ है, बट जो उसका ग्रास मैट है इट इज़ टोटली ब्लैक, बट उसको हम लोगों ने वाइन कलर से पाइपिंग दिया है, जिससे पूरा इंटीरियर का जो कंट्रास्ट है वो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। तो